Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मुझे और मेरी सेना को भोजन कराने का वचन तो दिया इस दरिद्र ऋषि ने, परंतु इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कैसे करेंगे? हे प्रभु, हमारे आश्रम में उपस्थित सभी जनों के लिए पर्याप्त भोजन और आसन उपलब्ध करवाने की कृपा कीजिए। राजन, आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। दरिद्र ऋषि ने तो सभी सैनिकों को भोजन करा दिया। हाथों में जो चमक उभरी थी उसके बारे में मुझे पूछना चाहिए। ऋषिवर, जिस आश्रम में अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है, वहां पर आपने इतना कुछ कैसे जुटा लिया? बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब चमत्कार कैसे किया आपने? बताइए, ऐसा क्या है आपके पास? हमारे पास प्रभु का आशीर्वाद है जो हमें सबल और समर्थ बनाता है। बालक नहीं हूं मैं ऋषिवर, जिसे आप कुछ भी कह के बहला देंगे। बताइए, क्या था आपके हाथ में जिससे आपने इतना सब कुछ संभव किया? प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यह है हमारे पास। यह चिंतामणि है जो प्रसन्न होकर मुझे देवराज इंद्र ने दी थी। बस यही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती है। जो निर्धन को धनवान बना दे, दरिद्र को समृद्ध बना दे, भूखे को भोजन दे दे, ऐसी चमत्कारी मणि का आपके पास होने का कोई औचित्य नहीं है। इस मणि को किसी ऋषि के पास नहीं, मेरे जैसे राजा के पास होना चाहिए। ऋषिवर, हमारे लालन पालन के कारण हमसे जो त्रुटि हुई, उसी के कारण ये किसी से कुछ भी प्राप्त कर लेना अपना अधिकार समझने लगा है। किंतु ऐसा पाप कर इसका भला नहीं होगा, इसे ये मणि मत लेने दीजिए। राजन, विद्या विनम्रता सिखाती है और विनम्रता हमें योग्य बनाती है। मूल्यवान वस्तु वही धारण करता है जो उसके योग्य होता है। राजा कर्ण इस मणि के योग्य हैं या नहीं, यह तो प्रभु ही आभास करवाएंगे। राजा कर्ण को वही प्राप्त होगा जिसके ये योग्य हैं। इस मणि का स्थान मेरी मुट्ठी में है और ये वहीं रहेगी ऋषिवर। दूसरे का हो उसे अपना मानना ये उचित नहीं है पुत्र। ये हमने तुम्हें पहले नहीं समझाया, ये हमारी गलती थी, पर तुम इस गलती को सुधार लो, अपने दोषपूर्ण व्यवहार को त्याग दो पुत्र। नहीं माँ, कर्ण जो चाहता है उसे पाता है, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। Thank you.
जिसका जो स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए। दिव्य मणि प्रभु के चरणों में ही शोभा देती है, उसे वहीं रहने दो। सही कहा आपने, जिसका जो उचित स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए, और इस मणि का उचित स्थान मेरे पास है, इसलिए ये मणि तो मेरी होकर ही रहेगी। मैंने कहा था ना, ये मणि जिसके चरणों में है वही निर्धारित करेंगे किसे कहाँ होना चाहिए। राजा कर्ण को आज वही मिलेगा जिसके वो योग्य है। और मैंने भी कहा था, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। तो ये देखिए सभी, ये देखिए कि मणि मेरे हाथों में है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। अभी भी समय है पुत्र, प्रभु का कोप बढ़े उससे पहले उनसे क्षमा मांग लो। और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। नहीं, ईश्वर भी आ जाए तो भी कर्ण अपने निर्णय से नहीं पीछे हटेगा। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये क्या, मैंने ईश्वर से कुछ मांग लिया, उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ी मुझे, तो अब ये मेरा अंतिम दिन ही है। पुत्र हमें दिया कि आपका आशीर्वाद है, इसी आशीर्वाद का मान ना रख सके, उसे बड़ा करने में हमारी गलती थी, उसका चरित्र उसका व्यवहार हमारा दोष था। इसका दंड हमें दीजिए, किंतु आपका दिया हुआ आशीर्वाद हमसे वापस मत लीजिए। हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं, हमें दंड दीजिए, पर हमारे पुत्र कर्ण को प्राण दान दे दीजिए प्रभु। इसमें आपका दोष, आपकी भूल कैसे हुई माँ पिताजी? सारा दोष मेरा है, एक नहीं अनेकों भूल हुई है मुझसे। माता पिता के आदर का और प्यार का अनुचित लाभ उठाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उनसे ही ऊंचे स्वर में बात की, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्हें राजभवन से बाहर आश्रम का रास्ता दिखाया, इतना ही नहीं अपने गुरु का अनादर किया, अपने ही राज्य की प्रजा पर अत्याचार किया, और फिर भी आप दोनों मेरे लिए क्षमा मांग रहे थे।
ना ही मैं इस मुकुट के योग्य हूं और ना ही इस चिंतामणि के और ना ही इस जीवन के जो आपने मुझे दिया। भूल स्वीकार करने की शक्ति और उसे सुधारने की इच्छा हो तो व्यक्ति भूल से भी बहुत कुछ सीखता है और जो भी ऐसा करते हैं उनका पश्चाताप की ओर ये प्रथम पग है। पश्चाताप करने वाले ही क्षमा के अधिकारी होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी पापों और भूलों को क्षमा करता हूँ। सदा स्मरण रखना कर, राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। उसका कर्तव्य प्रजा से लेना नहीं उसे देना है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान का उचित लालन पालन। ना अधिक बंधन ना अधिक स्वतंत्रता, दोनों में संतुलन आवश्यक है। और संतान का धर्म है उसका पालन, क्योंकि जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रभु, आपने समय पर आकर चिंतामणि की रक्षा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, इस चिंतामणि की दिव्यता के स्रोत आप हैं। वास्तविकता में इस संसार के चिंतामणि आप हैं। मेरी चिंता के साथ साथ महाराज और महारानी की अपने पुत्र के प्रति जो चिंता थी उसे भी आपने हर लिया। मेरे साथ साथ सबके मन में राजा कर्ण के शासन के प्रति जो चिंता थी उसे भी आपने दूर कर दी। अब तो मात्र एक ही मनोकामना है कि यहाँ इस स्थान पर आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो, यहाँ आकर भक्त अपनी चिंता से मुक्त हो जाए। हे ऋषिवर, आप जैसे महान भक्त की इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप मेरी जिस प्रतिमा की आराधना करते हैं उसमें मेरा अंश सदा स्थापित रहेगा और आपकी इच्छा अनुसार यहाँ मेरी पूजा चिंतामणि गणेश के रूप में होगी, जहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करने वालों की चिंताएं दूर होंगी। और यहाँ इस पावन कुंड में स्नान करने वाले सभी भक्त न केवल अपने विकारों से मुक्त होंगे अपितु वो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पालेंगे। आपकी महिमा अपरंपार, धन्य हो गए। नित्यमेव गणेश पूजन कर्मा यन्यूनम अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नस्तो सदा। तो तभी से ये मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है। हाँ प्रिय, चिंतामणि मंदिर की गणना प्रभु गणेश के सर्वाधिक प्रिय सभी अष्ट विनायकों में तब हुई जब उनका एक और भक्त यहाँ आया और वो थे भक्त रुक्मान। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। रुक्मान के माता पिता ने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया था। उन्होंने कभी रुक्मान को बंधन में नहीं बांधा, किंतु उन्हें उचित संस्कार दिए, जिससे रुक्मान ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। और हाँ, उनके पिता ने उन्हें एक शिक्षा मूल मंत्र के समान दी थी। कौन सी शिक्षा स्वामी? वही जो प्रभु चिंतामणि गणेश ने राजकुमार कर्ण और उनके माता पिता को सिखाया था। जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पिताश्री, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मैंने बुरा स्वप्न देखा पुत्र, मेरे विचार से तुम्हें आखेट पर नहीं जाना चाहिए। आपका आदेश होगा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा पिताश्री, किंतु पिताश्री ये आप ही ने सिखाया है। जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, उन्हें किसी भी बात का भय करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी ही दी हुई शिक्षा से मेरा ही भय दूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पुत्र, वैसे भी तुम्हें उस दुष्ट पशु को नियंत्रण में लाना है जिसने सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित और आतंकित कर रखा है।
आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं सुरक्षित लौट कर आऊंगा। पिता की सीख और आशीर्वाद के बाद रुकमांद आखेट पर गए, किंतु पिता के मन की आशंका सही भी प्रमाणित हुई। और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वो दुष्ट गांव की ओर कदापि नहीं लौटेगा। कितनी थकान हो गई है और प्यास भी लग रही है। इस आश्रम में मुझे प्यास बुझाने के लिए जल तो मिल ही जाएगा। कोई है इस आश्रम में? मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? क्या मुझे कोई थोड़ा जल दे सकता है? यदि कोई है तो बाहर आने की कृपा कीजिए, मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल देने की कृपा कीजिए। संभव है यहां कोई नहीं है। रुकिए, आपको जल चाहिए था ना? ये लीजिए, किंतु जल लेने से पूर्व अपना परिचय तो दीजिए। हे साध्वी, मैं युवराज रुकमांद इस वन में आखेट करने आया था। एक नरभक्षी सिंह का पीछा करते करते थक गया और मार्ग भी भटक गया। मुझे प्यास भी लगी थी और इस आश्रम को देखा तो लगा यहाँ मुझे जल मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से प्यासे नहीं लौटेंगे। हे साध्वी, मेरा परिचय तो आपको मिल गया, अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम मुकुंदा है। आप ऋषि वाचक नीति के आश्रम में हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हे देवी, ऋषि वाचक नीति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है मुझे? कहाँ है वो? ऋषिवर तो यात्रा में गए हैं और उन्हें लौटने में कई माह भी लग सकते हैं, इसलिए उनसे भेंट करने की आपकी आस तो मैं पूर्ण नहीं कर सकती, किंतु जो आस लेकर आप यहाँ आए थे वो मैं अवश्य पूर्ण कर सकती हूँ। सर्वप्रथम इस जल से आप अपनी प्यास बुझाइए। हे
आपको जल मिला, आपकी इच्छा तृप्त हुई, किंतु इच्छाओं के जाल में तो मैं भी घिरी हुई हूँ। पता नहीं मैं कब तृप्त होंगी। देवी, मैं तो बस जल पाने आया था, वो मुझे मिल गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैंने आपकी सहायता की, तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मुझे ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? युवराज रुक्मांत, मुझे अस्वीकार कर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे आप? मेरे सौंदर्य, मेरे मान को ठेस पहुंचाकर आप कैसे जा सकते हैं? युवराज, कैसे राजपुत्र हैं आप? ऐसा राजपुत्र जिसे धर्म का पालन करना भली भांति आता है, मेरा चरित्र, मेरे विचार चंद्रमा के धवल प्रकाश के समान स्वच्छ है, कलंकहीन है। ओह, तो आप अपने आप को, अपने विचारों और अपने चरित्र को श्वेत प्रकाश के समान पावन मानते हैं? उचित है फिर, चरित्र भले ही श्वेत रहे किंतु तन अवश्य ही कलंकित होगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। बस रुक गए, चूर हो गया आपका साहस, मेरे श्राप से भयभीत हो गए ना? नहीं देवी, मुझे लेश मात्र भी भय नहीं, क्योंकि बचपन से ही पिताश्री ने मुझे एक बात सिखाई है, जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। मेरा शाप सार्थक हुआ। मुझे जो हो रहा है इसके साक्षी ईश्वर भी है, मुझे विश्वास है, मेरा धर्म कर्म मुझे कुछ नहीं होने देगा। स्वामी, ये तो अन्याय हुआ रुक्मांत के साथ, दंड उन्हें नहीं देवी मुकुंदा को मिलना चाहिए था। ईश्वर जब भक्त को कठिनाई में डालते हैं तब उनकी परीक्षा होती है प्रिय, और रुक्मांत तो अपनी परीक्षा में खरे प्रमाणित हुए थे गणेश जी की कृपा से, जिसका सुफल अब उन्हें मिलने वाला था। और रही बात देवी मुकुंदा की, तो उन्हें उनका दंड मिलने जा रहा था। मैं अपने धर्म पर अडिग रहा हूं, मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। इतने कष्ट भोगने के पश्चात भी आपको आपके धर्म पे विश्वास है? प्रणाम देव ऋषि। हाँ, मेरा विश्वास अडिग है। तब भी जब किसी अन्य के अपराध का दंड आपको मिल रहा है? साक्षात देव ऋषि आए मेरा मार्गदर्शन करने, ये मेरे विश्वास का ही तो फल है। नारायण नारायण,
सत्य तो यह है कि प्रभु श्री गणेश की कृपा है आप पर, और इसी कारण मैं आपको आपके कष्टों से मुक्त कराने आया हूं। आपके निकट ही चिंतामणि मंदिर है, जाइए उसके कुंड में जाके स्नान कीजिए। धन्यवाद देवऋषि, धन्यवाद। नारायण नारायण। और तब उस अवस्था में चिंतामणि मंदिर की यात्रा कर, उस पावन कुंड में स्नान कर, रुक्मान पर प्रभु की कृपा हुई और वो निरोग हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। भक्त रुक्मान की यात्रा के बाद चिंतामणि मंदिर की यात्रा का प्रचलन हुआ। इसीलिए तो कहते हैं भक्त से ही भगवान है और उन्हीं से उनके मंदिर की महिमा है। जिनके मन में चिंतामणि होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। यात्रा संपन्न कर ली है, इसलिए शीघ्र आपकी चिंता भी दूर होगी। हाँ प्रभु, हम भी शीघ्र आपके अष्टविनायक धामों की यात्रा पूर्ण करेंगे। आपकी यात्रा का अगला पड़ाव है वरद विनायक धाम। क्या हुआ प्रिय, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? स्वामी, हम तो अभी भरत विनायक धाम में पहुंच भी गए, किंतु मेरा मन तो अभी भी चिंतामणि कथा में उलझा हुआ है। रुक्मान प्रभु के परम भक्त थे, धर्म पथ पर अडिग थे, इसकी परीक्षा प्रभु ने ली, किंतु देवी मुकुंदा जो धर्म विमुख हुई उन्हें कोई दंड क्यों नहीं मिला? अधर्म करने वाले को उसका दंड अवश्य मिलता है देवी, पर ऐसा ही देवी मुकुंदा के साथ भी होने वाला था। प्रभु वरद विनायक की कथा का संबंध उन्हें मिलने वाले दंड से भी है। धर्म का पालन करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। रुक्मान ने यह प्रमाणित किया था, वहीं दूसरी ओर मुकुंदा ये प्रमाणित करने जा रही थी कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के पतन के कई मार्ग खुल जाते हैं, और इसके माध्यम बनने वाले थे देवराज इंद्र। देवी मुकुंदा जो अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं उनके विश्वास का हनन भी अवश्य होता है। मेरे मान को आहत कर आपने उचित नहीं किया युवराज रुक्मान। ये किसके पदचाप है? युवराज रुक्मान, मुझे ज्ञात था कि आप लौटने के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। मेरे सौंदर्य को ठुकराकर कोई नहीं जा सकता। उचित कहा आपने देवी, और सौंदर्य की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मन के विकार, मोह
लोभ, मद, मास्तर्य और काम। अपने भीतर प्रवेश करने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए, अन्यथा ये मन को भटकाते भी हैं और भ्रमित भी कर देते हैं। किंतु ये व्यक्ति को तब ज्ञात होता है जब उससे कोई बड़ी भूल हो जाती है। देवी, अब मुझे आज्ञा दें। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। ये राजपुत्र नहीं, क्योंकि इनके तन पर तो चर्म रोग का लेश मात्र भी कोई चिन्ह नहीं। रुको, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। यदि तुम राजपुत्र रुकमांड हो तो मेरे श्राप से सुरक्षित कैसे हुए? सत्य तो ये है देवी कि मैं रुकमांड नहीं। जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर उसकी रक्षा करते हैं, वे सदैव धर्म द्वारा रक्षित रहते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।